हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 3 और 4। श्लोक नंबर 3। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। ये तीसरा और चौथा श्लोक है, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं थर्ड एंड फोर्थ श्लोक का। नारूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गतानानि वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। 15वां अध्याय एक अश्वत्थ यानी बनियान ट्री के बारे में या बरगद का पेड़, तो ऐसा वृक्ष के बारे में बताते हैं जिसका जो ओरिजिनल वृक्ष है एक्चुअली, यानी आध्यात्मिक जगत का ये भौतिक जगत प्रतिबिंब है, इसका ही जो है इसमें अर्थ है, अर्थ बताते हैं। तो अगर हम इस भौतिक जगत में रहते हैं तो जो वास्तविक स्वरूप है इस वृक्ष के यानी आध्यात्मिक जो जगत है उसके बारे में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तो ये पानी के जो तट पर कोई वृक्ष होता है वैसे ही उल्टा वृक्ष है, यानी मूल जो है ब्रह्मलोक से शुरू हुआ है, क्योंकि ब्रह्मा जो है प्रथम जीव है जो भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। हमें ये भौतिक जगत का जो ये वृक्ष है ये आसक्ति या भौतिक इच्छाओं का है, तो इसको हमें ज्ञान रूपी शस्त्र से यानी भगवत ज्ञान कृष्णा संबंधी ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर गिराना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराना है और उसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े। वो स्थान कौन सा है जिसके बारे में ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने बताया है, वो गोलक वृंदावन है। तो व्यक्ति को एक तो भौतिक जगत के प्रति आसक्तियों को काटना है, आसक्ति का जो ये वृक्ष है इसको काटना है, और उसके बाद उनको गोलक वृंदावन की खोज करनी है। वैकुंठ में कैसे जा सकते हैं उसकी खोज करनी है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कोई भी लौट कर इस भौतिक जगत में नहीं आता है। तो भगवान के शरण मिल जाती है हमें जब हम जाते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए हम भगवान कृष्ण के सान्निध्य प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता है, चूँकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है ना। जो हमारे भौतिक जगत में जितने भी वृक्ष हैं वो
उसका जड़ जो है नीचे होता है और बाकी ऊपर होता है, लेकिन इस वृक्ष का जड़ ऊपर है और शाखाएं नीचे है, तो इसलिए नहीं समझा जा सकता। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और ना वो इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। तो फंसने वाला व्यक्ति जो है इस वृक्ष को ही सब कुछ समझ लेते हैं। जैसे भौतिक जगत में जो व्यक्ति फंसा हुआ है तो उनके लिए भौतिक जगत ही सब कुछ है, आध्यात्मिक जगत के बारे में उनको कोई भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इस वृक्ष को अगर जड़ से किसी को काटना है तो उसे आध्यात्मिक बनना होगा, अन्यथा ये संभव नहीं है कि वो जड़ से इस वृक्ष को काट सके, यानी हमेशा हमेशा के लिए भगवत धाम जा सके, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य शरीर हमें मिला है तो मनुष्य शरीर मिलने का हमें ये फ़ायदा है कि हम जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति कर सकते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार का मतलब, जैसे एग्जाम्पल दिया जाए एकादशी व्रत ही पालन करने का, तो हो सकता है कोई बहुत इतना स्ट्रांग बॉडी नहीं हो, शरीर नहीं हो, तो वो जैसे दिन में फल खा के या व्रत का जो फलाहार है कुट्टू आटा वगैरह ये सब भी वो खाते हैं। लेकिन कई बहुत बॉडीली बहुत स्ट्रांग होते हैं तो कई लोग निर्जला का भी व्रत रखते हैं, राइट। लेकिन भावना हमारा कृष्णा भावना होना चाहिए, इसका ये अर्थ है सामर्थ्य का। जैसे कोई किसी के पास बहुत सारा धन है, तो मान लीजिए वो हर महीना फॉर एग्जाम्पल 10 लाख वो भगवान के प्रचार के लिए खर्च करते हैं, लेकिन किसी के पास साल भर का ही 10 लाख की कमाई है तो वो तो ऐसा नहीं कर सकता है ना। तो कोई बहुत जैसे गरीब भी है तो भी वो शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, धन से सेवा नहीं कर सकते हैं तो शरीर से सेवा कर सकते हैं, मन से सेवा कर सकते हैं, वचन से सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर एक व्यक्ति को भगवान की खोज करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और पूरा शक्ति लगा देना चाहिए। दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि हनुमान जी और गिल्हारी है ना। तो जो हनुमान जी है, हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर ला ला कर वो सेतु सेतु जो है बना रहे थे, बड़ा बड़ा पत्थर ला कर। लेकिन जो गिल्हारी है वो छोटा छोटा कंकड़ ला रहे थे। तो लेकिन राम जी कितना प्रसन्न हुए हैं ना गिल्हारी से। तो कृष्ण भक्ति में भाव जो है वो मैटर करता है कि कौन किस भाव से। जैसे आपने अगर मन पर ध्यान दिया होगा, मन किसी के बारे में भी बहुत जल्दी नेगेटिव सोच सकता है, ऐसा होता है, लेकिन हमें उस पर प्रैक्टिस करना होगा। कृष्ण ने दो उपाय बताया है, अभ्यास और वैराग्य। हमें अभ्यास करना होगा कि हम हर समय कृष्ण भावना में रहे, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे और हर नेगेटिव सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमें दिखेगा। ये डिफरेंस है भक्ति करना और नहीं भक्ति करने में। और जो बहुत पॉजिटिव भी सोचते हैं, अगर वो भक्ति में नहीं है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी वो सत्य को ठुकरा देते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं शरीर नहीं है। भगवान को मानने या नहीं मानने से भगवान का अस्तित्व समाप्त नहीं हो पाता है। तो जैसे भौतिक संसार में होता है ना, मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ या अमुक का पुत्र है, एक बिलोंगिंगनेस होता है ना। इस प्रकार हमें अनुसंधान करना चाहिए कि हम अगर आत्मा हैं तो आत्मा को तो माता पिता ने जन्म नहीं दिया ना, शरीर को दिया, तो ये आत्मा कहाँ से आया, कौन है ये आत्मा का माता पिता कौन है। अगर वो अनुसंधान करते करते ब्रह्मा तक जाते हैं तो ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा किसके नाभि कमल से निकले हैं, गर्भोदय कषाय विष्णु के, है ना। तो गर्भोदय कषाय विष्णु तक वो पहुँच जाएंगे, इस प्रकार वो भगवान तक अंततः पहुँच सकते हैं। तो तब उनका सारी जो गवेषणा है या रिसर्च है वो समाप्त हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। तो हमें शुद्ध भक्त के संगति से ही भगवान कृष्ण का सही सही पता मालूम हो सकता है।
तो जैसे आप कहीं जाते हैं तो गाड़ी से जब जा रहे हैं आप किसी गांव में या शहर में, तो आप उसके स्थानीय लोगों से पूछते हैं ना, भारत में खासकर पूछा जाता है कि कहाँ पे है इनका घर, क्या आप जानते हैं ये एड्रेस कहाँ पड़ेगा, तो क्योंकि स्थानीय लोगों को पता होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों से पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, एक्चुअली भाई साहब हम भी बाहर से आए हैं, इस शहर का नहीं है तो हमें पता नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जो भगवत भक्त है, शुद्धतम भक्त है, जो साक्षात्कार कर चुके हैं आत्म साक्षात्कार, या बहुत लंबे समय से भगवान कृष्ण की भक्ति में उनको एक्सपीरियंस है, तो वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं भगवत धाम जाने का। तो इसलिए हमें भगवान के बारे में किसी से भी नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ अनुभवी जो भक्त है और शुद्ध भक्ति में जो लंबे समय से लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से बिलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वो वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। तो ये उल्टा की वजह से कोई नदी है, नदी के तट पर जो वृक्ष होता है वो ओरिजिनल वृक्ष सीधा ही होता है, लेकिन नदी में प्रतिबिंब में उल्टा दिखता है। कोई एक छोटा बच्चा जिसको ज्ञान नहीं है, वो समझ सकता है कि अच्छा नदी के अंदर भी वृक्ष है और उल्टा है ना, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, छोटा है बहुत। तो वैसे ही जैसे बाल्टी में अगर आप एक डंडा डाल देंगे ना बाल्टी के पानी में, तो डंडा टेढ़ा दिखता है। एक छोटे बच्चे को पूछेंगे आप तो हो सकता है वो बोले कि हाँ टेढ़ा है डंडा, लेकिन बड़े व्यक्ति को पता है वो सीधा है, पानी में ऐसा दिखता है, राइट लाइट लाइक दैट। तो जब हमें जब हम भगवान के भक्तों से श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, तो मूल वृक्ष यानी आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत के बारे में हमें पता चलेगा, और हमें ये भी पता चलेगा ये जो भौतिक संसार है ये वैकुंठ जगत का ही प्रतिबिंब है, तो ये वास्तविक संसार नहीं है। तो फिर वो ये जो छवि है, छाया है, उससे वो विलग कर लेंगे। भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति किसी व्यक्ति का छाया पड़ा हुआ है, छाया को अप्रोच करेंगे कि मेन व्यक्ति को अप्रोच करेंगे? ऑब्वियसली मेन व्यक्ति से बात करेंगे, राइट? तो ऐसे ही हमें छाया, जो ये भौतिक संसार है, ये भगवान के आध्यात्मिक संसार का छाया है, उसके प्रति जो भी आसक्ति है उससे हमें विलग होना चाहिए, और आध्यात्मिक जो हमारा स्थिति है उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थित होना चाहिए, क्योंकि वो मूल वृक्ष है आध्यात्मिक जगत। तो इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में बताया ना असंग, ये दोनों 3 और 4 श्लोक जो है इसमें असंग शब्द है, थर्ड श्लोका की लास्ट लाइन में, कि असंग सस्त्रेण दृढ़ न चित्वा, मतलब असंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर जो प्रभुत्व करने का हमारी इच्छा होती है ना, वो अत्यंत प्रबल होती है। इस आसक्ति को काटना असंभव है जब तक हम भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त ना कर ले, कृष्ण की सेवा में ना लग जाए। तो बहुत प्रबल होती है कंट्रोल करने का। हर एक व्यक्ति लड़ाई इसलिए कर रहे कि मैं तुझ पर कंट्रोल करूं और तू मेरा दास बन जाए, लाइक दैट। लाइक एक एक देश भी दूसरे देश पर कंट्रोल करना चाहते हैं, एक जाति दूसरे जाति पर कंट्रोल करना चाहता है, ऑफिस में भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कंट्रोल करना चाहता है, घर पे भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कंट्रोल करना चाहता है। तो ये कंट्रोल 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 का ये ज़माना है, कोई दास नहीं बनना चाहता, कोई सेवा नहीं करना चाहता। तो इसीलिए ये प्रभुत्व जताने का जो इच्छा होती है बहुत प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए, और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसे विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम जो करणीय है वो है भगवान के शरण ग्रहण करना। हमें सबसे पहले कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। यहाँ पर उस स्थान या पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य कभी भी इस छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में वापस नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ पे इस छद्म में, छाया में वापस लौटने का मतलब है फिर से वही भौतिक संघर्ष। भगवान कृष्णा वो आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है।
उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने से प्राप्त हो जाता है। वही भौतिक जगत के विस्तार के भी कारण है। हम सोचते हैं कि अच्छा आध्यात्मिक जगत अगर भगवान संभालो तो भौतिक जगत में क्या भगवान का कंट्रोल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भौतिक जगत भले ही दुर्गा देवी के हाथ में दिया है भगवान ने, लेकिन मेन कंट्रोल कृष्ण के पास है, और दुर्गा देवी यानी महामाया भी कृष्ण के ही अधीन है। तो भगवान श्री भी भगवद गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मैं सभी जो है सृष्टियों का, सभी वस्तुओं का मैं उद्गम हूँ, प्रत्येक वस्तु का। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए, और कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। तो इस प्रकार हम भगवान के अगर शरण ग्रहण करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो ये भौतिक आसक्ति होता है सबके हृदय में होता है, जब तक वो भगवान का शरण ग्रहण नहीं करता है तो उससे वो मुक्त हो सकता है भगवान का शरण ग्रहण करके। धन्यवाद। हरे कृष्ण।